Now today we are going to discuss question number 4th from exercise 2.2 of chapter 2 polynomial class 9th. Clear? Question is aapka, find the zero of the polynomials in each of the following cases. क्या निकालना है हमको? जीरोस निकालना है सभी पॉलिनोमियल्स में. ठीक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 7th है, यानी कि 7 क्वेश्चन है इसमें. हम 3 क्वेश्चन से समझेंगे. ठीक, इस पूरे को आसान बहुत ही है. हमें एक्स की वैल्यू निकालना है. ठीक, जीरोस निकालना है. दैट मीन्स क्या होगा कि जो पी एक्स हमारा क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स ये हो गया कि इस वैल्यू को हम यहाँ डाल सकते हैं, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. क्लियर? तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5. ये आपका आंसर हो जाएगा. बहुत ही आसान है. ठीक, इसको आपको रखना है 0 इक्वल रखना है. ये आपका इसके इक्वल होगा तो होगा ही होगा. उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर भी पी एक्स इक्वल टू आपको क्या डाल देना है, 0, और उसको इसके इक्वल दिखा देना है. तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस 5. ये आपका आंसर हो गया. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर चलो बोलो क्या होगा. यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 0 और दिस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 2x उधर गया, क्या हो जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2. ये आपका आंसर. सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. क्लियर?